जानकारी दी कि शिवांगी की तबीयत ठीक है, क्या है अभी कुछ अपडेट? अगर आपने उनसे फिर से बात की है कुछ, अगर आप बताना चाहें। Yes, she is in bed. She is in touch with me and she is recovering. पहले से बहुत बेहतर है शिवांगी, 95% रिकवर हो गई है वो, थोड़ा सा भी स्कोप है और रिकवरी का एंड आई विश हर वेरी स्पीडी रिकवरी, लेकिन वो बहुत रेस्टलेस है, उन्हें जल्दी से काम पर लौटना है क्योंकि शिवांगी को जितने सालों से मैं जानती हूँ वो बहुत एक्टिव रहना पसंद करती हैं, जो इंस्टा पे भी एक्टिव रहती हैं, अदरवाइज भी एक्टिव रहती हैं, तो वो ज़्यादा दिन आप लोगों से दूरी बना के रखेंगी नहीं। अब आप तैयार रहिए अपना माइक और कैमरा लेकर, आई थिंक आपको 3-4 दिन में वो नजर आ ही जाएगी। आपने उनका बेकाबू शो देखा, काफी परी का रोल निभा रही है, काफी परेशान कर रही है जैन इमाम को, क्या कहना चाहोगे उसको लेकिन? बेकाबू एक लग रही है, बेकाबू कोई भी उनको देख के बेकाबू हो सकता है, सो पूरी स्टोरी तो मुझे देखनी पड़ेगी, बट जो उनका लुक है, मेरा तो पहला ध्यान उनके लुक पर ही जाता है और उसके बाद आई थिंक हर कोई बेकाबू हो जाता है, सो जो एक्टर है और जो बाकी लोग हैं वो तो बेकाबू होंगे ही ना बाय डिफॉल्ट, आई थिंक ये तो होना ही है। मैम, सब टीवी चैनल का एक नया शो मैडम सर काफ़ी पॉपुलर शो था, उसकी 2 की है, कहा जाएगा सीजन 2 आ सकता है, तो क्या आप कॉप्स का रोल अगर आपको ऑफर होता है फ्यूचर में तो क्या आप करना पसंद करेंगे? कुछ अगर आप बताना चाहें, गुलकी जोशी और युक्ति की जो बॉन्डिंग थी शो में वो काफ़ी लोगों ने पसंद की, आप लगता है उन्हें रिपीट किया जाएगा क्योंकि वो जो एक उनका जो एक फ्लेयर है ना वो अलग ही है, आई डोंट थिंक सो उनको कोई रिप्लेस कर सकता है, बट अगर मौका मिलेगा नए सीजन में मुझे अगर वो रोल ऑफर करते हैं क्यों नहीं, जरूर। हाँ, मुझे मेरी प्रोड्यूसर से ज़रा परमिशन लेनी पड़ेगी, मैम से पूछना पड़ेगा, मैम कैन यू प्लीज पेयर मी फॉर 7-8 डेज सो दैट आई कैन शूट देयर, सो परमिशन मिल जाएगी मैं ज़रूर करूँगी, अच्छा बोले वाई नॉट, मैं वैसे बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं पुलिस वाले का किरदार बड़े अच्छे से निभा सकती हूँ, मैं मतलब अच्छा जो वो ऐसे मैं वैसे ही मेरे शो में सबको मारती पीटती रहती हूँ, मतलब पूरा टाइम मैं ऐसे ही रहती हूँ एकदम ऐसे गुस्से में, मतलब मैं ऐसे रेस्टलेस एकदम, तो मैं आई थिंक एक पुलिस वाले का रोल बहुत अच्छे से निभाऊंगी, मैं एक एक को डिसिप्लिन सिखा दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।